हम लोग जिस बिल्डिंग पे रहते हैं, ये वाला जो बिल्डिंग आपको पीछे दिख रहा है, तो उसके निकलते टाइम ही तीन चार मंदिर सब हैं। तो चलो आज आप लोगों को वो जो मंदिर सब है तीन चार, तो आप लोगों को दिखाते हैं। पास से उतना दिन रह गए बट कभी हम लोग भी घूमने नहीं गए हैं, तो आज चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा मंदिर है, क्या कुछ है। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो मंदिर सब दिख रहा है, ये सब वाला मंदिर है, तो चलो चलते हैं दिखाते हैं। ये वाला जो है एंटर करने का गेट है, तो इसी से हम एंटर करेंगे। और ये वाला पहला मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर। चलो जाते हैं पास से देखते हैं। ऐसा है मंदिर, और हम लोग किस बिल्डिंग में रहते हैं, तो पास में ही लग के है, तो चलो देखते हैं कैसा है क्या है। पहुँचते ही ऐसा कुछ है, इधर घंटी है, दरवाजा तो बंद है, अभी देख नहीं सकते। इधर दीप जलाने के लिए स्टैंड बनाया गया है इधर, और इधर सिंदूर कुछ लगाने के लिए है। दरवाजा बंद है, और ये रहा घंटी, और ऐसे के बाद अगर आप इधर राइट साइड मुड़ेंगे तो इधर एक टेंट है, उसके बाद उधर एक और एक मंदिर है। तो चलो उसके पास चलते हैं और देखते हैं क्या कैसा है। दूर से कुछ ऐसा दिखता है, पास में जाएंगे तो अच्छा से नहीं, मतलब स्ट्रक्चर अच्छा से नहीं दिखेगा, तो मैं अभी दूर से ही दिखा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं पास से और देखते हैं कैसा कुछ है। चलो पास चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। दरवाजा तो बंद है, फिर भी चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। देख रहे हैं ये एंट्रेंस में है, दोनों शेर बैठे हुए हैं माता जी का रक्षा करने के लिए। और ऐसा कुछ डिजाइन सब है अंदर, ऐसा कुछ जैसे आप देख पा रहे हैं। पंडित जी के बैठने के लिए जगह, और यहाँ पर पूजा होता है, और लॉक है तो हम अंदर से कुछ नहीं दिखा सकते। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर सब बनाया गया है यहाँ पर, आप लोग जैसे देख रहे हैं माता जी का स्टेचू सब है, और माता का नाम सब भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये इधर भी, और इस तरह से कुछ बनाया गया है, डिजाइन किया गया है मंदिर को, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ये वाला जो था सेकंड वाला मंदिर था, पहले वाला देख चुके हैं आप लोग। तो ऐसे कुछ है मंदिर अंदर से, मतलब पूरा अंदर तो नहीं, उसके बाद ये रहा घंटी। तो चलो चलते हैं और तीसरा वाला मंदिर आपको दिखाते हैं। और इनके बगल में ही और एक मंदिर है, तो चलो उसके पास चलते हैं और देखते हैं क्या है कैसा है। ये वाला मंदिर जो ऐसा कुछ है, चलो अंदर से आपको दिखाते हैं। ऐसा कुछ है, आप लोग जैसे देख रहे हैं, और ऊपर का स्ट्रक्चर और पीछे के साइड कुछ ऐसा डिजाइन है बनाए हैं। इधर संत जी बैठे हुए हैं, इसके बगल में ही इधर दुर्गा पूजा आ रहा है, तो इधर टेंट सब बनाया गया है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। अंदर मूर्ति सब भी बना रहे हैं, तो अभी नहीं दिखा सकते, जब बन जाएगा तो दिखाएंगे। ऐसा कुछ स्टैंड गड़ा हुआ है, ऐसा कुछ, और
और चलते हैं। और अगर आप लोग दिख रहे हैं तो उधर एक छोटा सा मंदिर है, तो उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो जब दुर्गा पूजा होगा तो आप लोगों को ये वाला टेंट के अंदर जो जो मूर्ति बनाई हुआ है तो उसको सब भी दिखाएंगे। इधर डिजाइन सब करने के लिए बाम्बू सब बांधे हैं। तो चलो अभी चलते हैं और उधर छोटा वाला मंदिर को देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो कुछ पीछे ऐसे कुछ स्टेप लेके चलना पड़ता है ऊपर उधर। तो स्टेप चढ़ने के बाद आता है हम लोग का हनुमान मंदिर, अगर देख रहे हैं तो संकट मोचन हनुमान मंदिर। और उधर हनुमान चालीसा भी लिखा हुआ है, चलो पास से दिखाते हैं आपको। ऐसे कुछ है, यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ हनुमान चालीसा लिखा गया है, घंटी है और इधर बरगद का पेड़ भी है। तो आप लोग अभी पास से जो जो मंदिर देखे, चलो अभी चलता हूँ और मैं आपको टेरेस से दिखाता हूँ कैसा दिखता है चारों मंदिर। चलो चलते हैं, इस वाले मतलब हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसके टेरेस पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है। तो अभी टेरेस पहुंच गए हैं, तो ऊपर से दिखाते हैं कैसे मौसम भी कितना मस्त सुहाना सुहाना लग रहा है। तो चलो दिखाते हैं आपके पास से। वो जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला दूसरा वाला मंदिर है और ये वाला तीसरा वाला पास में ही, और जो फर्स्ट वाला है वो वाला इधर, ये वाला यहाँ जो दिख रहा है ये वाला फर्स्ट वाला है और लास्ट में जो छोटा सा मंदिर वो वाला वो वहाँ है। तो ऐसा कुछ है और ऊपर से ऐसे कुछ नज़ारा देखने को मिलता है, बिल्डिंग सब भरा हुआ है इधर, आसमान भी देखो आज। और हम जिस टावर पर मतलब रहते हैं उसका नाम है गर्भित टावर, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।